शहडोल के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 1 के पास सरई की लकड़ी का अवैध परिवहन कर रहे वाहन क्रमांक UP70PT7947 में 21 लट्ठा लगभग कीमत 2,50,000 रुपए की लकड़ी जब्त किया है। साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें अफसर खान निवासी प्रतापगढ़, राकेश साहू निवासी दरोड़ी शामिल है। मामले में अभी 4 अन्य आरोपी फरार हैं, शफीक खान निवासी उत्तर प्रदेश, मुकेश साहू निवासी दरोड़ी, नरेंद्र कचेर निवासी खन्नौदी, गुड्डू उर्फ मुजीब निवासी उत्तर प्रदेश शामिल है। आरोपियों के खिलाफ बद्री की धारा 379, 414, 34 एवं वन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को राजसात की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी विनय सिंह एवं ASI संतोष मिश्रा एवं अन्य स्टाफ शामिल है। थाना प्रभारी से मुझे सूचना मिली थी, ये हमारे परिचित अधिकारी गए थे तो पूछताछ के दौरान ड्राइवर से ये पता चला है कि चाटी के आसपास छत्तीसगढ़ राज्य से राजस्व के क्षेत्र से वो लकड़ी लाया है। तो इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से जैसे मेरी बात हुई है तो वो अपना विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रहे हैं और राजसात की कार्रवाई के लिए वन विभाग को वो जो है वाहन सौंपेंगे, तो उसमें विधिवत कार्रवाई जो भी होती है। राजसात कितने आरोपी सर इसमें? कुल अभी तक 4 नाम आए हैं, 4 नाम प्रथम प्राथमिक जांच में। उनका ड्राइवर है और एक मुकेश साहू नाम का आदमी है जो जैसे भी चालक है, उनका ड्राइवर है उसका नाम भूल रहा हूँ, और एक हमारे ही विभाग के कर्मचारी हैं भागवत सिंह, उनका वन परिच्छेद अमझोर अंतर्गत बताया जा रहा है कि लगातार कटाई जारी है बिना किसी परमिशन के, इसमें मिली वगत तक बन पाएगी, इसमें क्या कहना है? नहीं, इसमें मिली वगत वाली बात नहीं है, उसमें जो पहले भी जो विनयकार से सूचना आई थी वो विभाग के द्वारा राज्य विभाग को दी गई थी, और अभी 2 हफ्ते पहले ही विनयकार गांव में कटाई करते हुए लोगों को पकड़ा और सामग्री की जब्ती की, मशीनों की जब्ती की और संबंधित विभाग को राजस्व को पुलिस को सूचना दी, उनके द्वारा कार्रवाई की गई, और आगे भी अगर ऐसी सूचना आती है किसी प्रकार की तो सक्षम अधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई। आपने बताया आपके एक वनरक्षक की मिली भगत है, अगर इस तरह की हमारी मिली भगत देखिए, आज सुबह मुखिया द्वारा सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक UP70PT7947 से जिसमें ऊपर से पन्नी बदी हुई है अवैध लकड़ी आ रही है। सूचना तस्वीर के हमने हमरा स्टाफ के वहाँ पर छिपा हासिल करके ट्रक का आने का इंतजार किया, तो यहाँ पर चेकिंग किया तो ट्रक आता, उसको नंबर जो ट्रक आता दिखा उसको चेक किया गया तो उसमें लकड़ी थी, ड्राइवर उसमें था अफसर खान, जिससे ट्रक से संबंधित कागज मांगे गए लकड़ी संबंधित उसके पास नहीं होना पाया गया। पूछताछ की गई तो सीधी तरफ से जंगल से लेकर आना बताया, तो विधवत पर कार्रवाई की गई, अवैध लकड़ी पाए जाने पर से 379/414 IPC एवं बंद अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर ट्रक को जब्त किया गया है। ठीक है, ठीक है। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।